हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब इस वॉर के साथ सभी देशों ने अपनी सोच को एक अलग ही डायरेक्शन दी, जिसमें सभी देशों ने अपनी वॉरफेयर वेपन में काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया और ये पीरियड हिस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेटिंग और ट्रांजिशनल पीरियड की तरह जाना गया, जिसमें नई तरह की काइनेटिक स्ट्राइक के वेपन्स को बनाया गया और तब से लेकर आज तक इस तरह के वेपन्स आसमान पर राज कर रहे हैं। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो 1990 में पहले गल्फ वॉर की शुरुआत से लेकर 21st सेंचुरी में पिछले दो दशकों में देखे गए बदलाव इस बात का प्रूफ है, जिनमें इन वेपन्स ने अफगानिस्तान, इराक, लिबिया और सीरिया में कई कैंपेन चलाए। वही इसका फुल प्रूफ रशिया यूक्रेन वॉर भी देता है कि किस तरह से आज एरियल वेपन के बढ़ते यूसेज ने पूरा गेम बदल दिया है। अगर हम इन एरियल वेपन्स की बात करें तो ये आज एक कन्वेंशनल लेवल के डिटेरेंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ इन वेपन्स की मदद से न्यूक्लियर स्ट्राइक को भी कैरी किया जा सकता है, जो दुश्मन इन्फैंट्री बटालियन और अनआर्मर्ड मोबाइल फॉर्मेशन को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर सकता है। अगर हम कन्वेंशनल बैटलफील्ड में यूज किए जा रहे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स की बात करें तो इनमें क्रूज मिसाइल जो लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ सकते हैं उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये उन कुछ फॉर्मिडेबल और डिस्ट्रक्टिव वेपन में गिने जाते हैं जिन्हें मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे कि एयरशिप, सबमरीन और ग्राउंड। और ये मिसाइल दुश्मन के एयरफील्ड, ब्रिजेस, रेलहेड, आर्मी गैरिसन, एंटी एयरक्राफ्ट, हेवी आर्टिलरी बेस, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटी जैसी कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन को बहुत बुरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही दो एरियल वेपन्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले है हेवी वेट बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिनकी सर्कुलर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है और ये दुश्मन के शहरों पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के लिए एक बहुत ही डिवास्टेटिंग वेपन माना गया है। इसी के साथ क्रूज मिसाइल, जो इनके कंपैरिजन में लाइट वेट है और इनसे ज्यादा एक्यूरेट है, वो भी इसी तरह के डिस्ट्रक्शन में यूज किए जा रहे हैं। इन मिसाइल्स को खास तौर पर दुश्मन पर बम गिराने के लिए यूज किया जाता है। वही अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो इनका रडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा होता है और अगर इन्हें ग्राउंड में सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एंगेज किया जाए तो दुश्मन के लिए इन्हें ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ते हैं। इसी को लेकर अगर हम इंडिया के क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी की बात करें तो इंडिया ने अपने इन कन्वेंशनल वेपन को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है, जिनमें इंडिया ने रामजेट पावर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाया है, जिसकी प्रूवन रेंज 280 किलोमीटर की है और इसे और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए इसकी रेंज को 450 किलोमीटर तक भी बनाया जा रहा है। इसी के साथ चाइना जैसे खतरे से निपटने के लिए इंडिया ने खुद को और ज्यादा प्रिपेयर करके इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्लान किया है, जिन्हें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी पिछले दो दशकों से यूज कर रही है। अगर हम इन टेरेन हगिंग मिसाइल्स की बात करें तो इन्हें पावर करने के लिए फर्स्ट स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन बेस्ड बूस्टर मोटर को लगाया गया है, वही सेकंड स्टेज इंजन के लिए लिक्विड फ्यूल रामजेट का यूज किया गया है। इन मिसाइल्स की सबसे खास बात ये है कि ये ट्री टॉप हाइट के साथ उड़ सकते हैं और दुश्मन को मैक 3 की स्पीड और हाईएस्ट वेलोसिटी इम्पैक्ट के साथ टारगेट कर सकते हैं। इसे लेकर आपकी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।